बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और डीआईपीआर विभाग की ओर से 2 दिवसीय विज्ञान पत्रकारिता कार्यशाला का आगाज हुआ। इस कार्यशाला में उद्घाटन सत्र में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम धानवी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और साथ ही कार्यशाला की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने की और डीआईपीआर कमिश्नर नीरज के पवन कार्यालय में विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यशाला के जरिए वक्ताओं ने प्रदेश के पत्रकारों, जनसंपर्क अधिकारियों को, मीडिया रिसर्चर्स को भावनात्मक पत्रकारिता की जगह प्रायोगिक यानी कि वैज्ञानिक पत्रकारिता पर जोर देने को कहा है। कुलपति ओम थानवी ने कहा कि विज्ञान मनुष्य के मेघा को कसौटी पर उतारता है, साथ ही मनुष्य के जीवन में बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें पत्रकारिता के माध्यम से विज्ञान को समाज की सेवा में लगाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें संविधान की भावनाओं के मुताबिक समाज में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न कार्यकलापों और विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक रूबरू कराना, यह कार्य पत्रकारिता से ही संभव है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने कहा कि सोशल मीडिया के युग में सकारात्मक और वैज्ञानिक सामग्री परोसना जरूरी है, अन्यथा समाज के देवभ्रमित होने की आशंका है। मसला नहीं है, वैज्ञानिक पत्रकारिता का अर्थ है विज्ञान की सोच से भरी हुई पत्रकारिता, और विज्ञान की सोच से भरी हुई पत्रकारिता का मतलब है एक तर्कशील पत्रकारिता। तो तर्कशील समाज, तार्किक समाज, अंधविश्वासों, जातिवाद की रूढ़ी, सांप्रदायिकता, इस सबसे ऊंचा उठा हुआ समाज, इसको बनाने में मीडिया की जो भूमिका है। चूंकि पत्रकारिता और पत्रकार जगत के जो आयाम है वो काफी विस्तारित होते जा रहे हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डीआईपीआर विभाग ने संयुक्त रूप से जितने हमारे पीआरओज हैं और जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके लिए एक वर्कशॉप ये आयोजित की गई है आज, जिसमें जो ओम थानवी जी हैं वो वाइस चांसलर हैं इस जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी के, उनका एक आख्यान होगा और दिन भर का ये वर्कशॉप चलेगा जिसमें पत्रकारिता में साइंस जर्नलिज्म को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, किस प्रकार जो नए विस्टार्स अभी खुले हैं इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे पत्रकार बंधुओं को, हमारे पीआरओस को अवगत होना आवश्यक है, उसके लिए आज की ये वर्कशॉप आहूत की गई है। बट इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, है ना। तो जो सर कह रहे हैं वो वही चीज कह रहे हैं कि केवल विज्ञान में जान लेना चीजों को, स्कीम्स को, वही नहीं है बट एक सोच है, सोच बदलने का।